सिंगम मतलब रोहित शेट्टी फुल हाउस, एकदम प्रॉपर मूवी बनाया है। और रणवीर सिंह का तो जो एंट्री है, मतलब ये पिक्चर अगर आप लोग ने मिस किया तो आपने दिवाली मिस कर दिया ऐसे समझ लेना करके, एकदम सुपर। मतलब सबकी एक्टिंग एकदम नेचुरल, और सिंगम थ्री में कुछ बोलना ही नहीं है करके। स्टोरी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन दिवाली में क्या फैमिली के साथ अगर मूवी देखना है और एंटरटेनमेंट होना है तो वो डेफिनेटली सिंगम थ्री के साथ होना है करके। सर रणवीर सिंह उसमें कोई डाउट ही नहीं है, और अजय देवगन तो है ही, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, बट रणवीर सिंह का जो ये टाइम इन लोगों ने ऐड किया है, इट वाज टू गुड। मतलब रणवीर और दीपिका आफ्टर सो लॉन्ग साथ में आए, उसका केमिस्ट्री पूरी दुनिया को पता है, उसमें बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। टाइगर श्रॉफ का एकदम नेचुरल फ्लो है, तो शेट्टी साहब ने जो उसको ऐड किया है, मतलब सब डिफरेंट कैरेक्टर्स है जो उन्होंने सब लोग को एक साथ में इकट्ठा किया, जैसे दिवाली में हर फैमिली एक साथ में इकट्ठा होते हैं, वैसे उन्होंने सबको साथ में लेके ये मूवी बनाई है। एकदम सुपर, एकदम सुपर एक्शन सॉन्ग्स एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। 5 स्टार, उसको कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, एकदम दिवाली की धमाका। यस यस यस, थैंक यू। दिवाली रोर द सिंगम अगेन कैसी रही? अमेजिंग थी, आई लव्ड इट पर्सनली, ब्लॉकबस्टर हिट है ये मूवी। एक्टर्स भी बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा सिलेक्शन रोहित शेट्टी ने किया एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के। स्टोरी लाइन सेम था और सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे थे, आई लिसन टू द सॉन्ग्स अलॉट। स्टोरी लाइन सेम था पर दिवाली के साथ फैमिली के साथ ये सिंगम देखने का बहुत अच्छा लगता है। टाइगर श्रॉफ मेरा फेवरेट है, बिकॉज वो बहुत अच्छा दिखता है मूवी में, और वो सब एक्शन है वो कर रहा है तो उसमें भी बहुत हॉट दिखता है वो। हाँ, ऐसे कोई है लाइक सब सॉन्ग्स अच्छे हैं, बिकॉज रोहित शेट्टी का फिल्म है तो बहुत अच्छा फिल्म बनाया है उसने और सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं। मूवी मुझे बहुत दीपिका पादुकोण की एंट्री का सीन बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वो मेरी एक फेवरेट एक्ट्रेस है। टेन आउट ऑफ टेन। तो आप सिंगम देख के आए हो, आपकी फिल्म कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। अच्छा, और इसमें बहुत से स्टार्स बताए गए हैं जैसे अर्जुन कपूर, सलमान खान, कैसे लगे आपको सबकी एक्टिंग? बहुत अच्छी लगी, स्पेशली अर्जुन कपूर, जैसा उन्होंने पिछले मतलब कुछ सालों में ही किया था, इस दिस टाइम ही हैज इम्प्रूव्ड वेरी मच। और सलमान खान भी इसमें बताए गए हैं चुलबुल पांडे के रोल में, आपको उनकी केमिस्ट्री वो कैसे लगी? कुछ नहीं, बस मूवी खत्म होने के बाद वो एक सीन के लिए आते हैं, एक छोटा डायलॉग बोलते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, और ओवरऑल कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 4.5। थैंक यू। आपको कैसी लगी अच्छी? बहुत अच्छी थी। अच्छा, इसमें बहुत से एक्टर्स बताए गए हैं, अर्जुन कपूर बताए गए हैं, अजय देवगन बताए गए हैं, आपको कैसी लगी उन सबकी एक्टिंग? सबकी अच्छी थी, अर्जुन कपूर की माइंड ब्लोइंग, मतलब 5 सुपरस्टार्स और एक विलेन काफ़ी था, सबके लिए काफ़ी था। अच्छा, एक विलेन सबके लिए काफ़ी था, अर्जुन कपूर ने सबको हरा दिया? नहीं हराया नहीं, एंड में मतलब एक्टिंग में हरा दिया। हाँ, एक्टिंग में तो ऑफ कोर्स। अच्छा, और डायरेक्शन कैसी लगी आपको रोहित शेट्टी जी की? बहुत अच्छी थी, कनेक्शन 5 सुपरस्टार एक साथ, वाज गुड। करीना कपूर जी भी इतने टाइम बाद पर मूवी में आए हैं, उनकी एक्टिंग कैसी लगी? अच्छी थी, और कहीं ना कहीं पूरी मूवी एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रही थी, ऑल द सीरीज वर एबल टू कनेक्ट। हाँ, वो रामलीला का शो उन्होंने होस्ट किया था, उससे सब कनेक्ट हुआ, फिर रामायण को कनेक्ट किया मूवी में बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, ओवरऑल कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 5 out of 5। थैंक यू।